हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है 8th डे ऑफ नवरात्रि, सो लेट्स क्रिएट दिस ब्यूटिफुल मेकअप लुक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज मैं यूज़ कर रही हूँ बीबी क्रीम। मैं कोई आज फाउंडेशन यूज़ करने के मूड में नहीं थी, तो इसलिए मैंने आज यूज़ की है बीबी क्रीम। ये है ऑर्गेनिक हार्वेस्ट की वेटलेस बीबी क्रीम, जो कि काफ़ी अच्छी कवरेज देती है, तो इसलिए मैं आज उसको यूज़ कर रही हूँ। फिर मैंने उसको थोड़ा स्पंज से भी ब्लेंड कर लिया अच्छे से। फिर मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, जहाँ मुझे लग रहा है कि हाँ यहाँ मुझे थोड़ा ज़रूरत है कंसीलर की, तो मैं वहीं यूज़ कर रही हूँ उसको। फिर मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से कंसीलर ब्रश के साथ। फिर सेटिंग पाउडर के साथ मैं सब कुछ अच्छे से सेट कर लूँगी। फिर मेकअप फिक्सर यूज़ करके सारा अपना बेस मैंने सेट कर लिया अच्छे से। फिर उसके बाद मैं अपना आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने यूज़ किया है लाइट पीच कलर, अपने ड्रेस से मैच करता हुआ मैंने थोड़ा शेड लिया है, जिसको मैं अच्छे से अपने आईलिड्स के ऊपर ब्लेंड कर लूँगी। फिर उसके बाद उसी शेड को मैं अपने थोड़ा वाटर लाइन के नीचे भी अप्लाई करूँगी। फिर उसके बाद एक न्यूड शेड लेके उसको क्रीज़ के ऊपर थोड़ा अप्लाई करूँगी दोनों साइड। एंड फिर एक थोड़ा बेबी पिंक शिमर शेड लेके मैंने उसको अपने आईलिड पे अच्छे से अप्लाई किया। थिक काजल ड्रॉ कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे इसको बाद में स्मज भी करना है, तो अच्छे से काजल अप्लाई किया मैंने। फिर मैं ब्राउन आई शेडो लेके उसको अच्छे से स्मज कर रही हूँ, जिससे कि एक अच्छा सा थोड़ा सा स्मोकी लुक आया आईज़ का। फिर मैंने मस्कारा यूज़ किया है, दो कोट मस्कारा के काफ़ी होते हैं, उससे अच्छा एक वॉल्यूम मिल जाता है। फिर थोड़ा ब्लश और हाइलाइटर लगाया है, उसके बाद ये मेरा फेवरेट लिप शेड है, दिस इज़ माय ग्लैम अल्टीमेट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक इन द शेड फॉक्सी। फिर मैं ये लिक्विड लिपस्टिक ले के इसकी मैं बिंदी ड्रॉ कर रही हूँ अपनी। और फिर आई लव टू डू दिस एवरी टाइम। Yeah, that's the complete look. So if you find this video helpful, if you do, then don't forget to like, share and subscribe to my channel. To milte hain hamare next video mein, tab tak ke liye mere video dekhte rahiye aur mere channel ko subscribe karte rahiye. Okay, bye.